बेहद ताकतवर हुआ मोचा चक्रवात, अगले दो दिन बेहद खतरनाक। तूफान के वक्त क्या करें क्या ना करें। साइक्लोन मोचा अब अपने बेहद ताकतवर रूप में आ चुका है। बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन मोचा भयंकर रूप धारण कर सकता है। आईएमडी पिछले कई दिनों से इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है। आईएमडी के मुताबिक इसकी वजह से आने वाले दो दिन यानी 12 और 13 मई बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसकी वजह से देश के कई राज्यों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मोचा चक्रवात इस साल का पहला चक्रवात है, जिससे आने वाले दो दिनों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये साइक्लोन कोस्टल और बॉर्डर एरियाज के आसपास के इलाकों में ज़्यादा तबाही मचा सकता है। वहीं इसका असर जिन राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है, उसके आसपास के इलाकों को भी प्रभावित कर सकती है। चक्रवातें और उससे उठने वाले तूफान और उससे होने वाली बारिश एक नेचुरल इंसिडेंट है, इसलिए इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसका ख्याल रखते हुए तूफान आने से पहले अपने बचाव की तैयारी की जा सकती है। वहीं कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसको अपनाकर तूफान के वक्त और बाद के असर से खुद को बचाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चक्रवाती तूफान की चेतावनी को गंभीरता से लें और अलर्ट के वक्त अपने घर में ही रहें। आपातकाल आ जाए तो ही घर से निकलें, लेकिन तुरंत अपने घर लौट आएं। घर से बाहर होते हुए अगर अलर्ट घोषित हो जाए तो वापस लौटने की कोशिश ना करें, बल्कि जहां हैं वहीं रुके रहें। घर के सभी इलेक्ट्रिक सामानों के प्लग सॉकेट से निकाल दें, खुद भी उनसे दूर रहें। तूफान के दौरान छत पर बिल्कुल न जाएं। तूफान के वक्त अगर रास्ते में फंस जाएं, तो किसी पेड़ या मकान के नीचे खड़े ना हो। अगर वाहन चला रहे हैं तो उसे समुद्र, पेड़ और बिजली के खंभे से बचाएं। ये तो थी वो सावधानियाँ जिनको तूफान आने के वक्त बरतनी चाहिए। अब उनके बारे में भी जान लेते हैं कि तूफान आने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तूफान टलने के तुरंत बाद भी घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर हों तो शॉर्टकट ना अपनाएं, हमेशा खुले रास्ते अपनाएं। बिजली के गिरे हुए नंगी तारों, क्षतिग्रस्त पुलों वाले एरिया की तरफ ना जाएं। बारिश के दौरान बहुत सारे सांप निकलते हैं, इसलिए सावधान रहें। घर को साफ सुथरा रखें, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। पानी को इकट्ठा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं जो कि कई बीमारियों की जड़ होते हैं। चक्रवाती तूफान के दौरान और तूफान के बाद इन सावधानियों को बरतने से न केवल आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालकर एक भयावह याद वाले वक्त को दरकिनार कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।